कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश उपाध्याय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमेजिंग पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही कमाल की न्यूज। दोस्तों एक इंडिया से बाहर की कंपनी है जिसका नाम है ओपन नेटवर्क। ये दोस्तों कंपनी क्या करती है, ये कंपनी नेट की स्पीड के बारे में बताती है और नेट कनेक्टिविटी के बारे में बताती है। तो दोस्तों इस कंपनी ने भारत में 1 दिसंबर 2017 से लेकर के 28 फरवरी 2018 तक रिसर्च की और इसने बताया, जो इसने बताया वो आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एयरटेल स्पीड के मामले में नंबर 1 पर निकल गया है। जी हाँ, जियो को पछाड़ दिया है इसने। दोस्तों अगर हम स्पीड की बात करें तो एयरटेल रहा है नंबर 1 पर। अगर हम ओवरऑल स्पीड की बात करें तो एयरटेल की जो स्पीड है वो रही है आपकी 9.31। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों आपका आइडिया जिसकी स्पीड रही है 7.27। और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों वोडाफोन जिसकी डाउनलोडिंग स्पीड रही है 6.98। और दोस्तों सबसे लास्ट में आता है आपका जियो जिसकी स्पीड रही है 5.13। ये डाउनलोडिंग स्पीड है दोस्तों, जियो स्पीड के मामले में इन सबसे पीछे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये चौंकाने वाली खबर है। लेकिन दोस्तों एक चीज में जियो ने बाजी मारी है और वो है 4G नेट कनेक्टिविटी के मामले में। जहां पर अगर हम नेटवर्क के मामले में बात करें तो जियो नंबर 1 पर रहा है। दोस्तों जियो की 4G नेट कनेक्टिविटी लगभग 96.4% है और दोस्तों वोडाफोन और आइडिया इसकी है लगभग 68 point something। और दोस्तों इसमें एयरटेल सबसे पीछे है जिसकी है 66.8। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैं आपको बताई। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो दूसरों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।